हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुश्री। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स में अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने जो देखा है इसको, तो देखिए नेचर ऑफ पार्टनरशिप हम देख रहे हैं, सारे पार्टनर्स पैसे लेकर के आते हैं वगैरह सब कुछ। अब हम इसका सा पार्ट सेकेंड है ये, व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर सेट टू बी इन पार्टनरशिप। अगर सब लोग हाथ मिलाते हैं और प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटने में अगर सहमत है, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अब ये देखिए, इसकी डेफिनेशन दे रखी है आपको, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या डिफाइन कर रहा है पार्टनरशिप को इस तरीके से, ये इसकी डेफिनेशन है जो सेक्शन 4 में लिखी गई है 1932 के एक्ट में। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये कि उन लोगों के बीच में एक रिलेशन जो एग्री हो रहे हैं, जो ये बात करने में रजामंद है कि हम लोग अपना प्रॉफिट का हिस्सा एक दूसरे के साथ बांटेंगे, और वो लोग सब या तो किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं या फिर उनमें से कोई सब पार्टनर्स के लिए काम कर रहा है उस बिजनेस में, उसको कहलाता है, वो कहलाता है पार्टनरशिप। ओके, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप विथ वन अनादर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। जो आदमी, जो व्यक्ति पार्टनरशिप में अंदर एंटर होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसको कहते हैं अलग अलग व्यक्ति को पार्टनर्स। मतलब कि 1, 2, 3, 4 ये सब पार्टनर है ना, तो इन सब को अलग अलग कहेंगे, ये एक पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है, ये तीसरा पार्टनर है, ये चौथा पार्टनर है, इस तरीके से। और ये सब मिला करके एक फर्म कहलाएंगे। ठीक है, ये सब एक फर्म के रूप में कहलाएंगे कि ये फर्म है। फर्म मतलब ये कि एक बिजनेस है ये, जो पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, और इसका जो नाम होगा, जैसे इसका नाम मान लीजिए मैंने कुछ भी रख दिया, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया अकाउंट्स, है ना, अकाउंट्स फर्म है ये, तो मतलब कि अकाउंट्स इसका नाम हो गया और इस फर्म, ये फर्म, ये जो बिजनेस है इसका नाम अकाउंट्स फर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको कहा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि पार्टनरशिप फर्म और फर्म के नाम में क्या डिफरेंस है। अब पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप की कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब कि इसका कोई भी संविधान में कोई भी कानूनी रूप नहीं होता है। बस इसका क्या होता है, पार्टनर्स जो इसका गठन करते हैं, बस वही एक रूप होता है इसका। दस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर। तो पार्टनरशिप के जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब, कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। तो देखिए, टू और मोर पर्सन्स, इसमें दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, है ना, 2 से 50 तक की इसमें मान्यता है। देखिए, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वगैरह, इन लोगों ने बोल रखा है संविधान ने कि भैया आप लोग 100 से ज़्यादा, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी निर्धारित कर सकती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम तो 2 ही होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति तो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा, है ना, अकेला स्वामी रहेगा बिजनेस का, अगर दूसरा व्यक्ति उसके साथ जुड़ता है तो वो होगा पार्टनरशिप। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा नहीं कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 ही बता रखे कि 50 से ज़्यादा आप लोग पार्टनर नहीं बना सकते किसी फर्म में, है ना। तो मैंने आप लोगों को ये बता रखा है 2 से 50 तक में होते हैं पार्टनर्स। ठीक है, इसमें 2 से 50 लोग ही रह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, इसका एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि इसका देखिए एग्रीमेंट जो होता है वो लिखित और ओरल, मतलब बोली वाला भी हो सकता है, लेकिन सारे डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए क्या करते हैं पार्टनर्स के ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कौन सा वाला, जो लिखित हो कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कोर्ट में जाकर के वो लोग साबित कर सके कि कौन सा पार्टनर सच बोल रहा है और कौन सा पार्टनर झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बिजनेस में होना चाहिए, मतलब ये कि कोई भी, जैसे कि किसी ने शादी करी है तो वो दोनों लाइफ पार्टनर है, लेकिन वो लोग पार्टनर नहीं कहलाएंगे, वो लोग एक पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग एक बिजनेस नहीं कर रहे, या फिर आप उसके अलावा कोई चैरिटी कर रहे, किसी की मदद कर रहे, है ना, आप उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे, तो वो भी एक पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी,
ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, एक संस्था कहलाएगी, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप फर्म वही होती है जहाँ पर कोई चीज़ खरीद करके बेची जाती है और उसमें कोई मुनाफा कमाया जा रहा है। जहाँ पर मुनाफा कमाया जा रहा है वो ही पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, ठीक है। तो एक बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, है ना। इसके अलावा म्यूचुअल एजेंसी मतलब ये कि हर किसी का एक किसी के लिए एक दायित्व होना चाहिए, हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हर किसी के कुछ हक होंगे, है ना। इस तरीके से मतलब ये कि हर एक जो पार्टनर रहेगा वो प्रिंसिपल भी रहेगा और एक एजेंट भी रहेगा। मतलब इस तरीके से कि वो जो पार्टनर है वो एक सबको एक राह भी दिखाएगा कि भैया ये करना है, उसके एक हक भी होगा, है ना। और उसके अलावा वो एक एजेंट भी होगा कि मतलब कि दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर सबके काम कर रहा है वो, है ना। मतलब एक अपने एजेंट अपनी पार्टनरशिप फर्म को वो एक तरीके से संबोधित कर सकता है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर करना ज़रूरी है, है ना। मतलब ये कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और अगर लॉस हुआ तो वो लॉस शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि भैया उनको जो भी इनाम मिल रहा है या फिर जो भी रिस्क मिल रही है, नुकसान फ़ायदा दोनों को साथ में ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है लॉसेस इज इम्पोर्टेंट भी है, आपको लॉसेस लेना भी ज़रूरी है और प्रॉफिट लेना भी ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई किसी लोग किन्हीं लोगों ने चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए हाथ मिलाया है तो चैरिटेबल एक्टिविटी बिना प्रॉफिट के काम कर रही है तो वहाँ पर भी पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा, वो भी पार्टनरशिप नहीं होगी, वो एक चैरिटेबल संस्था है। लेकिन पार्टनरशिप वही होगी जहाँ पर बिजनेस हो रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, लाभ हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, देखिए लायबिलिटी जो पार्टनर की रहेगी मतलब क्या कि उसकी जो देनदारी रहेगी वो बिल्कुल रहेगी, सारे पार्टनर्स की देनदारी बिल्कुल समान रहेगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का दिवाला निकल गया और किसी पार्टनरशिप फर्म ने सबने साथ में मिल करके 10 लाख का या 50 लाख का कोई लोन लिया है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको वो 10 लाख रुपये अपना घर बेच कर भी चुकाने पड़ेंगे। मतलब आपकी पर्सनल जो असेट्स रहेगी, है ना, पर्सनल असेट्स जो रहेगी वो भी आपको चुकानी पड़ेगी अपना दे करके, ठीक है। तो ये आपको ये करना पड़ेगा, तो मतलब डेप्ट के लिए आप सब लोग राजी है, है ना। और एग्रीमेंट आप लोगों के हाथ बांध देगा कि भैया आप लोगों ने क्या कर रखा है कि आप लोगों ने पार्टनरशिप में आए हैं, आपने एग्रीमेंट किया था, आपने ये सारी चीज़ें आपने टर्म्स एंड कंडीशंस मानी थी, तो आप लोगों को ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमको बताइए। और हम लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, 3 दिन में आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग हमको बताइए करके कि और हम लोग अपनी वीडियोस में क्या सुधार करें, किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है जितना हम समझा रहे हैं। देखिए वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। हम लोग कोरोना पीरियड में आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और ये जो वीडियोज़ है इसको बच्चों तक, रतलाम शहर के बच्चों तक पहुँचाइए और दूसरे भी शहरों में बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी पहुँचाइए। देखिए हम लोग MP बोर्ड और CBSE दोनों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, MP बोर्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि MP बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी YouTube चैनल भी नहीं है या फिर कोई भी दूसरी जो बड़ी बड़ी कोचिंग से वो भी नहीं है, और CBSE के बच्चों को पढ़ाने के लिए सब लोग हैं। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों को MP बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उन लोगों को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, इसलिए अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमको बताइए। देखिए बोलने से ही आप लोग हम लोगों को पता चलेगा, अगर आप लोग बताएंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कैसा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करिए ताकि हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, और अगर ख़राब कर रहे हैं तो भी आप लोग बताइए ताकि हम लोग उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही था।